हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो आज हम काजू की एक बहुत ही लाजवाब सी, बहुत ही यूनिक सी मिठाई बनाने वाले हैं, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप टुकड़ा वाला काजू लिया है। आप चाहें तो होल काजू भी ले सकते हैं, मगर मैंने सोचा जब इनको ग्राइंड ही करना है तो टुकड़ा काजू ही ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है 1/3 कप मिल्क पाउडर। जितना काजू लेंगे उसका 1/3 कप मिल्क पाउडर लेंगे। और अब हम इन काजुओं को ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे ग्राइंड करने के लिए आप एक साथ इकट्ठे 10 सेकंड के लिए ग्राइंड मत करिएगा, इसको पल्स में ग्राइंड करना है। मतलब एक पल्स दी, 1 या 2 सेकंड के लिए, फिर रुक गए, फिर 2 सेकंड के लिए ग्राइंड किया, फिर रुक गए। इतने काजुओं को ग्राइंड करने में आधा मिनट लग जाता है, मगर एक साथ इकट्ठे आधे मिनट के लिए मिक्सी मत चलाइएगा, बस दो दो तीन तीन सेकंड के लिए चलाइएगा। इससे ज़्यादा देर के लिए मत चलाइएगा, वरना काजुओं का ऑयल निकल आएगा और फिर हमारा जो टेक्सचर है वो वैसा नहीं आएगा जैसा हमें चाहिए। और यहाँ पे हमारे काजू अच्छे से ग्राइंड होकर के तैयार हो गए हैं। तो इसे मैंने एक बड़े से बोल में निकाल लिया है, आप चाहें तो इसे परात में भी निकाल सकते हैं। और अब हम इसी काजू के मिक्सर में मिल्क पाउडर मिला देंगे। तो 1 कटोरी काजू के लिए हमने लिया था 1/3 कप मिल्क पाउडर, और चीनी भी हम 1/3 कप ही लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास पिसी हुई चीनी नहीं है, तो उसी मिक्सी के ग्राइंड जार में हम इसको डाल के पीस लेंगे। चीनी को हम डायरेक्टली नहीं डालेंगे मिक्सचर में, इस तरीके से एक छलनी में डाल देंगे और इसको छान करके ले लेंगे। चीनी को अगर आप मिक्सचर में डायरेक्टली डाल देंगे तो जो चीनी है जो हमारी ग्राइंड नहीं हो पाई है वो फिर घुलेगी नहीं और मुंह में आएगी, और हमारी जो मिठाई है उसका परफेक्ट टेक्सचर नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं करीबन 50 ग्राम गुलकंद। गुलकंद आपको अचार वाली दुकान पे बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा और ये होता भी बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। करीबन 100 ग्राम गुलकंद आपको केवल 10 रुपये में मिल जाएगा। गुलकंद हल्का गीला सा होता है, मुरब्बे स्टाइल का होता है, तो इसे सूखा बनाने के लिए, इसको एकदम बर्फ़ी के में होल्ड करने के लिए हम इसको सुखाएंगे। तो इसको सुखाने के लिए हमने यहाँ पे करीबन 3 टीस्पून नारियल का बुरादा डाला है। ये पहले से ही मीठा होता है, तो इसको मीठा बनाने के लिए आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गुलकंद और नारियल को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस समय अगर आप चाहें तो बिल्कुल बारीक कतरन डाल सकते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स की, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम काजू का ही लड्डू बना रहे हैं, तो अगर ड्राई फ्रूट ना भी डालें तो भी चलेगा। तो अब हमने ये जो मिक्सचर तैयार किया था काजू मिल्क पाउडर और चीनी का, उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें 1-1 टीस्पून करके ये गुनगुना पानी मिलाएंगे। ये हल्का गुनगुना पानी है, आप इसकी जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध का इस्तेमाल करें या पानी का, उसे हल्का गुनगुना ही लीजिएगा और बिल्कुल 1-1 टीस्पून, आधा आधा टीस्पून करके ही डालिएगा, क्योंकि अभी चीनी भी पानी छोड़ेगी और ऐसा ना हो जाए कि एक साथ आप ज़्यादा पानी या दूध डाल दें और जो मटेरियल है वो ज़्यादा गीला हो जाए। इतने मटेरियल को गूंदने के लिए आपको केवल 2 से 2.5 टीस्पून पानी ही लगेगा। जब ये पूरा मटेरियल एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे करीबन 1/2 टीस्पून घी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम घी का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इस घी को इस मटेरियल में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस आटे को इस तरीके से गूंदना है कि काजू का जो फैट है वो निकल के बाहर आ जाए। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा लड्डू बनकर के तैयार होने वाला है वो गिलगिला ना हो, वो अपनी जो शेप है उसको होल्ड करके रखे, और ऐसा ना हो कि हम किसी को सर्व करें और वो हाथ में ही बिखरने लग जाए या फिर इतना सॉफ्ट हो कि वो पिचक जाए। परफेक्ट काजू लड्डू चाहिए तो आपको इसको 1 मिनट तक इस तरीके से गूंदना पड़ेगा। 1 मिनट तक इस मटेरियल को गूंदने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फैट्स अलग हो गए हैं, तो अब मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी और अब हम अपनी मिठाई बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसको इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे। अब ये जो गुलकंद वाला जो मिक्सर हमने तैयार किया था इसकी एक छोटी सी राउंड सी बॉल बना लेंगे, उसको बीच में इस तरीके से रख देंगे और फिर हम इसको गोल कर लेंगे। और ये हमारा काजू गुलकंद लड्डू बनकर के तैयार हो गया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लड्डू बनाते चले जा रहे हैं, इसके फैट्स और निकल निकल के बाहर आके मेरे हाथों पे लगते जा रहे हैं। हमें एक्स्ट्रा घी बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ रहा है हाथों पे। इस मिठाई को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुश्किल से 15 मिनट में बन करके तैयार हो गई है। और इसको बनाने के लिए गैस भी नहीं जलानी पड़ती है, ना चाशनी का झंझट है, ना किसी भी चीज़ को भूनने का झंझट है। और यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है, कितनी जल्दी फटाफट हमारे लड्डू बनते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे आप मेरे हाथों में भी देख सकते हैं कितना ऑयल निकल के बाहर आ गया है। तो बेसिकली मिठाई में बिल्कुल ऑयल भी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मिठाई बन करके तैयार हो रही है। और ये हमारे सभी लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। तो मुझे पर्सनली यहाँ तक के सारे स्टेप्स बहुत ही ईजी लगे, मुश्किल से 15 मिनट ही लगा था। अब आता है डिफ़िकल्ट स्टेप, ये है चांदी का वर्क लगाना। बाप रे, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा था मुझे। मतलब हो सकता है कि मुझे ही टाइम लगा हो, क्योंकि मैं थोड़ी कम आर्टिस्टिक टाइप की हूँ, और हो सकता है आप बहुत ही जल्दी कर ले, मगर मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी आई थी इसको लगाने में। तो चांदी का वर्क इसके ऊपर लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, केवल इसकी गार्निशिंग के लिए होता है, बिल्कुल सजावट के लिए होता है। और ये एक पैकेट जो चांदी का वर्क का होता है वो आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा, और इसमें करीबन इस तरीके की 10 लीव्स होती हैं, 10 लीव्स होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, और अगर लगा देते हैं तो सुंदर भी लगता है। और अब आजकल तो ये बिल्कुल वेजिटेरियन होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑटोमेटिक प्लांट्स पे बना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कितनी, मतलब बहुत ही धीरे धीरे मैं लगा रही हूँ। अगर आपके वाले पैकेट में भी इतनी बड़ी ही लीफ मिल रही है, तो एक लीफ में 2 या 2.5 लड्डू बड़े ही आराम से रैप हो जाते हैं। चांदी के वर्क को काजू कतली के ऊपर लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, कुछ नहीं करना होता है आपको, बस ये अखबार की जो स्ट्रिप्स हैं जिसके ऊपर वर्क लगा हुआ आता है आपको उनको उठाना होता है, और अपनी जो फ्लैट कतली होती है उसके ऊपर लगा देना होता है। मगर इन लड्डुओं को रैप करने में सच बता रही हूँ मेरे पसीने छूट गए। सच बताऊँ तो ये जो चांदी का वर्क होता है उसे पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाला रीज़न नहीं है, क्योंकि आजकल मेरे हिसाब से हर चीज़ ऑटोमेटिक हो गई है और इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, स्पेशली मिठाइयों में, क्योंकि मिठाइयाँ तो हम भगवान को भोग में भी लगाते हैं, तो इसका ध्यान दिया ही जाता होगा कि ये नॉन वेजिटेरियन ना हो। मगर मुझे थोड़ा इनकी प्योरिटी पे शक होता है, मैं थोड़ी शक्की मिजाजी हूँ, तो मुझे लगता है कि जब सुनार की दुकान पे चांदी कायदे से नहीं मिलती है, प्योर नहीं मिलती है, तो ग्रोसरी स्टोर पे क्यों मिलेगी। तो मुझे पर्सनली बहुत ही शक होता है कि ये चांदी की ही वर्क है या अल्यूमिनियम का तो नहीं है। इनिशियली हमेशा की ही तरह मैं चांदी के वर्क का इस्तेमाल नहीं करने वाली थी अपनी मिठाइयों में, बट फिर मुझे किसी ने समझाया कि ये चांदी का वर्क ही होता है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मगर मैंने आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर कर दिए हैं, तो आपकी टोटली मर्ज़ी है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, मैंने सभी लड्डुओं पे बहुत ही मुश्किल से ही चांदी के वर्क को लगा दिया है, और इसको बिल्कुल मार्केट वाला लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने 4 से 5 केसर के धागे गर्म पानी में भिगो लिए थे, और उसको मैं इस तरीके से गोल टिप से लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं एक पाइपिंग टिप का इस्तेमाल कर रही हूँ जो केक्स में यूज़ होता है। तो एक बार मैं इसको इस तरीके से केसर के पानी में भिगा रही हूँ, और फिर इन लड्डुओं के ऊपर लगा रही हूँ। और अगर हल्का सा पानी जो है एक्स्ट्रा लग जाए लड्डुओं के ऊपर, तो बिल्कुल छोटे से टिश्यू पेपर के टुकड़े से उसको वाइप कर दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ। आप केसर के धागों के पानी की बजाय आप कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट में कलर का इस्तेमाल किया जाता है, मगर मैं सजेस्ट करूँगी कि केसर के धागों का ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आप इतनी मेहनत से कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें कलर का इस्तेमाल ना करें। अब हम इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे पिस्ता। पहले मैंने सोचा था कि ये इतना ज़्यादा क्यों इसको गार्निशिंग में इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया, मगर अब जब मैंने बनाया तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो लुक दिया है ये दिए की शेप का दिया गया है, तो बहुत ही बढ़िया लगा। बाकी ये सब हम केवल इसका लुक देने के लिए कर रहे हैं, अगर आप इसको स्किप आउट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, मगर ऐसा लुक देंगे तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होंगे।
उम्मीद है आपको मेरी ये आज की आसान सी, बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे वेंसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एन्जॉय।